देख सकते हैं क्या खूबसूरत व्यू है। अस्सलाम एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो यार, मैं भूल गया था कि मेरा कोई YouTube चैनल भी है। सच में भूल गया था, क्योंकि आई थिंक चार महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ YouTube के लिए। बहरहाल, तो आज हमारा प्लान है स्कर्दू के लिए आफ्टर अ ईयर। तो आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि यार आज बहुत अरसे बाद, पूरे एक साल बाद हम स्कर्दू जा रहे हैं। प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो लिटरली यहाँ पे तंग हो गए हैं हम बहुत ज़्यादा। तो आज हम स्कर्दू जा रहे हैं, तो हमारी जो फ़्लाइट की टाइमिंग है वो आई थिंक 8-9 तक है, 8-9 बजे हैं। तो अभी इस वक्त हम जाएंगे, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, हम निकलने लगे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं आप लोग को रूम टूर देना चाहता हूँ, लेकिन दे नहीं सकता। सोचो क्यों? क्योंकि रूम की सफाई नहीं हुई भाई, दिखाने के लायक नहीं है कि रूम किस तरह है। सो रूम टूर हम कैंसिल करते हैं अभी इस वक्त, और बाहर का सीन दिखाते हैं आपको सबसे पहले। दिस इज़ द बाहर, आउटसाइड का मौसम आप चेक कर सकते हैं भाई ये। तो अभी हम कैब का इंतज़ार कर रहे हैं, कैब आएंगी तो हम जाएंगे एयरपोर्ट। वन मोर थिंग यार, जो स्कर्दू का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सो फ्लाइट डिले हो सकती है या कैंसिल भी हो सकती है, फिर भी हम लेकिन जाएंगे एयरपोर्ट। सर फाइनली अभी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मेरे साथ मौजूद है अज़हर भाई, हमारे साथ है मौजूद है नो लिफ्ट जी। अज़हर भाई क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम राहिल, कैसे हो आप? ठीक हो यार? बस आज स्कर्दू के लिए निकल रहे हैं। वेदर के बारे में कि वेदर अच्छा हो वहाँ का, आज का वैसे नेट पे तो क्लाउडी दिखा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली फ्लाइट हमारी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो जी अभी चलते हैं। सारी मासूम सी खुशियाँ। सो राइट नाउ जी, इस वक्त हमारी बोर्डिंग हो गई है, एंड अभी फ्लाइट के लिए आई थिंक आधा घंटा है। तो इस वक्त हम ऐसे फिर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं, एंड राइट नाउ आई एम डूइंग व्लॉग इन वॉशरूम। जीस, किसने बनाया दस्तूर। तो राइट नाउ यार, ये आई थिंक ये वाली प्लेन जो आप नज़र आ रही है एयर ब्लू वाली, ये हमारी फ्लाइट है। एंड चीज़ यार, आई रियलाइज कि यहाँ जो स्कर्दू की जो फ्लाइट है उसमें 90% टूरिस्ट है और सिर्फ 10% लोकल है। आई डोंट नो क्यों आप बिल्कुल डेफिनेटली यार, अब स्कर्दू एक टूरिज़म हब बन चुका है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोस्टली जो है पैसेंजर्स वो सारे बाहरी के हैं, और यहाँ पंजाब के स्कर्दू और लोकल आई थिंक सिर्फ 2-3 बंदे हैं, बाकी सारे बाहर के। नाउ जी, अभी इस वक्त हम जहाज के अंदर इंटर हो रहे हैं, देख सकते हैं पब्लिक। और फिर इसके बाद हम स्कर्दू के लिए टेक ऑफ कर जाते हैं, और हमारी फ़्लाइट ड्यूरेशन तकरीबन 45 मिनट्स की थी। और शुरू में हमें इस्लामाबाद के मारगिला हिल्स नज़र आया, एंड उसके बाद स्नोई माउंटेंस नज़र आना स्टार्ट हो गया, एंड आलमोस्ट 15 मिनट बाद आपको नज़र आता है माइटी द किलर माउंटेन नांगा पर्वत, एंड कुछ देर बाद आ जाते हैं हमारा ब्रेकफास्ट। होके सजन मजबूर गया है, अखियां दे वास्ते खुशियां होवन, होके हिजर विच चूर करे। सोना पया परदेस कटे ना, सजना नु दूरों दूरों वेंदा, साडी ते सारी सुनदा है पर अपनी चल ना मोई दूरी बिंदा है। नाउ फाइनली अब हम स्कर्दू में लैंड कर चुके हैं। फाइनली
यार हाँ इस वक्त हम स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है ना कसम से लेवल का है, आई थिंक ये 15 सेंटीग्रेड है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। एयर ब्लू का जो जहाज़ है वो यहाँ मौजूद है, चारों तरफ पहाड़, पहाड़ी से जिले मौजूद है, कराकरम है वो हिंदू कश, एंड ऊपर स्काई चेक कर सकते हैं क्या खूबसूरत है। फिर इसके बाद हम बस में बैठ जाते हैं और ये बस हमें ले जाती है स्कर्दू एयरपोर्ट की तरफ। फिर वहाँ हम अपना लगेज वगैरह कलेक्ट करते हैं। एंड वन स्पेशल थिंग, रईस और राज हमें स्पेशली एयरपोर्ट पर पिक करने आए थे, फिर हम उनसे मिलते हैं और फिर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। फाइनली यार हम घर पहुंच चुके हैं बहुत अच्छे बाद, एक साल बाद। सो जिस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड आज से आगे रेगुलर वीडियोस आएगी, हफ्ते में एक या दो कंफर्म, आई स्वेयर इस दफ़ा अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।